हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछे कि सर, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, सर मैंने ITI किया है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, मैंने डिप्लोमा किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। कई लोगों ने पूछा सर, मुझे मैनेजमेंट में जाना है तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। कई लोगों ने पूछा सर, स्ट्रक्चर में SAP सीखें कि ETF सीखें। ऐसा कई लोगों के माइंड में बहुत ढेर सारे डाउट्स थे। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए कि आपका सारा काम हो जाए। मीन्स सिविल इंजीनियरिंग में आपकी एंट्री हुई तो एंट्री टू एग्जिट आप पूरा काम कर सको, इसके लिए 10 सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिए, 10 सॉफ्टवेयर में थोड़ा टाइम लगेगा, सो आप स्टेप स्टेप करके सीखेगा, पर अगर आपने 10 सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप ये समझिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग का एक एक काम कर सकते हैं। वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग के 13 सॉफ्टवेयर पर काम कर चुका हूँ, तो मुझे 13 आए हैं, लेकिन उनको सीखने में मुझे मोर देन टू ईयर्स लगे हैं एक्चुअली सीखने में। तो आप भी समझिए कि टाइम तो लगेगा सॉफ्टवेयर सीखने में, पर हाँ, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है उसे बोलते हैं ऑटोकैड। सब बोलोगे सर मैंने बहुत सुना ऑटोकैड के बारे में, सभी के कॉलेज में बताया जाता था ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में जो कैड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है दोस्तों? ड्राफ्टिंग मीन्स स्केच करना, जो आपके दिमाग में है कि घर ऐसे ऐसे बनना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग को हम लोग ऑटोकैड के अंदर कर सकते हैं। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा 1982 में बनाया गया था, और ये सॉफ्टवेयर अब तक कि सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो इसे यूज नहीं करती होगी। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑलराउंडर है, डिटेलर भी यूज करता है, ड्राफ्टर भी यूज करता है, डिजाइनर भी यूज करता है। कैसे? आपने सीख रखा है, उसमें गलतियां क्या की है आपने? आपने गलतियां ये की है कि आपने बेसिक ऑटोकैड सीखा है, जो कि यहां है, कॉरपोरेट का ऑटोकैड यहां है। आप बोलोगे कि इसमें मैं इनको कनेक्ट कैसे करूं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए ऑटोकैड आर्किटेक्चरल एंड ऑटोकैड स्ट्रक्चरल दोनों आपको सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आर्किटेक्चरल में क्या आता है, या दोनों सॉफ्टवेयर अलग हैं? नहीं, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं। आर्किटेक्चरल में हम लोग आर्किटेक्ट्स का काम करते हैं, लाइक प्लानिंग का काम करते हैं, सेक्शन का काम करते हैं, एलिवेशन का काम करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स तैयार करते हैं। पर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चरल ऑटोकैड में हम लोग लेआउट प्लान बनाते हैं, कॉलम पोजीशंस देते हैं, हम लोग बीम की डिटेलिंग करते हैं, कॉलम की डिटेलिंग करते हैं, स्लैब की डिटेलिंग करते हैं, स्टेयरकेस, ये सारी डिटेलिंग का काम, जो फूटिंग इनकी डिटेलिंग का काम किस में करते हैं? ऑटोकैड स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों, ऑटोकैड अगर आपने सीखा है तो उससे बहुत ही अच्छे लेवल पर अगर आप सीखेंगे, तभी जाके आप कॉर्पोरेट में मैच कर पाएंगे। मेरे मैक्सिमम टॉपिक स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मेरे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और उनको एक एक करके देखिएगा। आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसे मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग आप तक आंसर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमें सीखना चाहिए ऑटोकैड के बाद, दैट इज योर स्टैट प्रो। आप बोलोगे सर स्टैट प्रो क्या होता है? स्टैट प्रो इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। क्या होता है स्टैट प्रो? इसमें हर एक तरह के स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हो। ये बेंटली कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है और ये 2005 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि इसमें आप डैम स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसमें आप वाटर टैंक बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, स्टील स्ट्रक्चर बना सकते हो, ट्रस मेंबर्स बना सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस, अगर आप बोलोगे कि सर इस किस काम को सबसे अच्छा करता है, तो मेरे एक्सपीरियंस में ये स्टील को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करता है। स्टील के वेयर हाउसेस, स्टील का कुछ भी हो, बहुत ही अच्छे तरीके से कौन डिजाइन करता है? स्टैट प्रो।
बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की जो सीखना बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, वो है ETABS। ETABS का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। तो ये जो होता है ये आपको अच्छे तरीके से आपके हाई राइज बिल्डिंग का डिज़ाइन करके दे देता है। हाई राइज बिल्डिंग्स मीन्स G+10, G+20। इसको यूज करने का एक और बहुत अच्छा रीज़न ये है कि इसमें डायनेमिक एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से और इजली कर सकते हो। और इसको यूज़ करना जिसने सीखा होगा उनको पता होगा इसका प्रोसेस कितना इजी है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। तो ETABS CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर है। CSI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है अगर आप कंक्रीट स्ट्रक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या स्टील भी कर सकते हैं? हाँ जी, स्टील भी आप इसमें कर सकते हो, पर अगर मैं बोलूँ कंक्रीट के लिए तो कंक्रीट इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात ये कि कुछ लोग बोलते हैं सर इसकी फुटिंग के डिज़ाइन कहाँ पर करें। कई लोगों ने मुझे पूछा सर जो ETABS में बिल्डिंग डिज़ाइन किया इसके फुटिंग के डिज़ाइन कहाँ पर करें। तो इसकी फुटिंग का डिज़ाइन आप ETABS के जगह पे सेफ में आपको करना पड़ेगा। सेफ क्या है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाई फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या होता है? FEM आपने सुना होगा, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्लैब और फुटिंग की डिज़ाइन आप कर सकते हो। अगर आपने उसको सीख लिया तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, पूरे और पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। पर अगर आपने सेफ और ETABS नहीं सीखा है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप उसके जगह पे स्टैट प्रो को अच्छे से सीख लो, क्योंकि स्टैट प्रो में स्टैट प्रो फाउंडेशन भी है, तो आपको फाउंडेशन भी आ जाएगा और स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है SAP 2000। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोग्राम 2000। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर हर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के ग्रिड को बहुत ही आसानी से बना देता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वाटर टैंक, डैम, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हर तरह के स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्टेडियम, सब कुछ बहुत ईजिली इनके ग्रिड्स तैयार कर सकते हो SAP 2000 में। ये भी CSI कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है। CSI का ये भी है, CSI का सेफ है और CSI का ETABS है। और मजे की बात यह है कि तीनों का वर्किंग प्रोसेस काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है रैबिट आर्किटेक्चर। क्या? रैबिट आर्किटेक्चर क्यों जरूरी है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना मैंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डिजाइन किया है पर उसका एलिवेशन ऑटोकैड ने बनाया है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो एलिवेशन बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप रैबिट ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है इसको यूज करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सटीरियर डिजाइन दे देगा। प्लस एक प्लस पॉइंट भी देता है ये, क्या? आप इसमें इस्टीमेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे। मैंने इस्टीमेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको प्रॉपर प्रोसेस बताया है कितने सीमेंट लगेंगे, कितना सैंड लगेगा, कितना उसमें ब्रिक लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उनको देख लीजिएगा। या अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रैबिट आर्किटेक्चर जो है ये एलिवेशन बनाने के लिए सुपर सॉफ्टवेयर है। दूसरा मैं बात करूं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज रैबिट स्ट्रक्चर। रैबिट स्ट्रक्चर है रैबिट का ही पार्ट, सो कोई अलग नहीं है। रैबिट के दो पार्ट है, तो एक्चुअली तीन पार्ट, रैबिट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP। पर अगर आप अभी सिविल इंजीनियर का ही काम करना चाहते हो तो रैबिट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर अच्छे से सीखो। स्ट्रक्चर में आप लोड, बीम, कॉलम, ग्रिड, इन सब का प्लेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो। रैबिट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। चलिए तो सबसे पहले आप ऑटोकैड सीखिएगा, तब रैबिट सीखिएगा, तो आपको मजा आएगा। और अगर आप सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, मैं आपको इस बात का वादा कर सकता हूँ। और अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे इजी और फाइन सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है आपके लिए, तो वो सॉफ्टवेयर है 3D बनाने के लिए या इंटीरियर करने के लिए Google SketchUp,
इसको अब गूगल नहीं, अब केवल स्केचअप नाम दिया जाता है। और स्केचअप जो है ये ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन है इंटीरियर करने के लिए। मेरे करियर का सबसे इजी सॉफ्टवेयर गूगल स्केचअप है और उसके साथ उसका एक्सटीरियर व्यू भी इसमें बहुत अच्छा बना सकते हो। दूसरे फाइल फॉर्मेट इसमें इंपोर्ट करके लाइट लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रेंडर कर सकते हो। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही अच्छा है डिटेलर के लिए, जो बनना चाहते हैं आरसीसी डिटेलर, स्टील डिटेलर, मॉड्यूलर, उनके लिए बीआईएम का एक और सॉफ्टवेयर है। बीआईएम का सबसे मेन सॉफ्टवेयर रेविट है, एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टेक्ला। टेक्ला भी ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो स्टील की डिटेलिंग, कॉल बीम की डिटेलिंग, लैपिंग, बीबीएस, पूरा का पूरा बीबीएस, बीबीएस क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल, बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी, सब कुछ निकाल के दे देता है कौन, आपका टेक्ला। तो टेक्ला जो सॉफ्टवेयर है इसके अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो इसमें समझिए आपकी मॉडलिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और डिटेलिंग कर सकते हैं, तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हो। दोस्तों आपने सबसे पहले ड्राफ्टिंग देखी, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर आर्किटेक्चर देखा, फिर डिटेलर देखा, सबके सॉफ्टवेयर देख लिए ना हमने। तो लास्ट जो है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है दैट इज MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। बहुत ही इजी है, एक साइट को एक्सेस करना, एक साइट पे क्या क्या हो रहा है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर को पे करना है, ये सारी चीज़ें आप MSP से, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की ये सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हो। पर अगर मैं बात करूँ कि मोर देन 10 कंपनीज आके आप काम संभाल रहे हो, 10 साइट्स आप एक साथ देख रहे हो, तो आपका क्या होगा, वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, वो MSP में करना थोड़ा टफ होता है। तो उसके लिए स्पेशली एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्राइमवेरा। प्राइमवेरा जो सॉफ्टवेयर है, प्राइमवेरा P6 सीरीज चल रहा है जो कि ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिसमें प्रॉपर एक एक चीज़ का एस्टिमेशन कर सकते हो, एक एक चीज़ का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन से प्रोसेस के सॉफ्टवेयर हमने देखे यहाँ पे। सबसे पहले एक बार मैं आपको लास्ट में बता देना चाहूँगा, ड्राफ्टिंग ऑटोकैड, स्ट्रक्चर ईटैप्स, स्टैट प्रो, सेफ एंड SAP 2000, एंड उसके साथ ही साथ आपने देखा डिटेलिंग, डिटेलिंग के लिए आपने देखा यहाँ पे टेक्ला, और उसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर देखा MSP एंड प्राइमवेरा। तो ये हमने इस तरीके से सारे सॉफ्टवेयर की सीरीज देखी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो यार इसको एक लाइक तो बनता है, अगर ये अच्छा लगा तो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो, नहीं तो डिसलाइक तो ज़रूर बनता है यार, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना। और साथ ही साथ इसमें कमेंट जरूर करना कि हमें ये वीडियो कैसा लगा, और आपको स्पेशली किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में सर डीप में बताइए कि इसमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको भी आप यहाँ पे कमेंट में लगा के जाइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने ऑटोकैड पे बनाया है, स्टैट प्रो पे बनाया है। और किसी सॉफ्टवेयर पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो नीचे आप कमेंट करिएगा, डेफिनेटली आप तक मैं ले आने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, हम सिविल इंजीनियरिंग का हर एक चीज़, हर एक टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, धन्यवाद एंड जय हिंद।